ये माता रानी एक फीट की है, मकरणा मार्बल है, अब देख पा रहे हो। ये मैया 3.25 फीट के अंदर है, मकरणा मार्बल में नंबर 1 घड़ाई के अंदर बनी हुई है, 3.5 फीट हाइट के अंदर है और मकरणा मार्बल ओरिजिनल है, देख पा रहे हो आप, नंबर 1 के अंदर बनी हुई है। शेर का मुख बंद रहता है, ज्यादातर ऑर्डर के अकॉर्डिंग खोला जाता है। माता रानी 4 फीट हाइट के अंदर है मकरणा मार्बल में, और शेर का मुख भी बंद है, ओरिजिनल आप देख पा रहे हो आशीर्वाद रूप के अंदर। इसको लोग चामुंडा, दुर्गा माता, अम्बे माता, जगदम्बा, जितने भी आप नाम लो वो कमी है। ये मैया रानी मकरणा मार्बल बनी हुई है, ये 4.25 फीट में, ये 4 फीट के अंदर है, 4 फीट के अंदर है, और ये वेतना मार्बल है, अब देख पा रहे हो बिल्कुल सी गड़ावट देख लो वेतना के अंदर, ये वाइट भी दिखाई दे रहा है, ये मकरणा की नहीं है यार है। चाहे जैसे आप ऑर्डर देके बनवा सकते हो, चाहे जैसे जो भी मूर्ति हो साइज के अकॉर्डिंग 1 फीट से लेके 60 फीट तक आपको मूर्ति मिलेगी मकरणा मार्बल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मार्बल दुनिया की टीम आपके लिए आज के वीडियो में लेके आई है माता रानी की मूर्तियों के बारे में कंप्लीट जानकारी। यानी आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो और माता रानी की मूर्ति बनवानी हो मकरणा मार्बल में, तो आपके मन में अगर एक भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नहीं रहेगा और आप पूरी तरह सेटिस्फाई होंगे और आपको छोटी से बड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिली। तो सबसे पहले तो हम सोनू जी से मुलाकात करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे मूर्ति का। नमस्कार सोनू जी। नमस्कार जी। तो सुनो जी, हमारे दर्शकों को माता रानी की मूर्तियों के बारे में A to Z तक पूरी जानकारी बताइए, ताकि हमारे दर्शक माता रानी की मूर्ति आराम से खुले दिल से और अपने दिमाग को शांत करके बनवा सकें और क्या क्या समस्याएं आती है। तो सबसे पहले तो इस माता रानी की मूर्ति के बारे में आप हमें बताइए सर। ये आप देख रहे हो 3.25 फीट की है, मकरण की ओरिजिनल मूर्ति है। तो दर्शकों जैसा देख पा रहे हैं 3.25 फीट हाइट की ये मूर्ति आप देख रहे हैं, मकरणा व्हाइट मार्बल में बनी हुई है। मूर्ति को आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए, फिर उसी तरीके से सिलसिले में हम जो और मूर्तियां हैं वो वाली मूर्तियां भी आपको दिखा देते हैं। यानी मकरणा मार्बल की मूर्तियां दीपिका मार्बल मूर्ति के अंदर 1 फीट से लेके 7 फीट तक बनी हुई तैयार मिल जाती है, और आप जिस भी हाइट विड्थ में बनवाना चाहते हैं वैसे बन जाती है। सोनू जी, बन जाती है, यानी यूजर की कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी बन जाएगी, और आपको 1 फीट से लेके 7 फीट तक की मूर्तियों का चार्ट आपको इस वीडियो की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यानी आपको इसमें मूर्ति की प्राइस रेंज और उसका वेट कितना है वो भी दिखाई दे रहा है, ताकि आपकी मूर्ति का ट्रांसपोर्टेशन भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाए और आप मूर्ति की प्राइस रेंज सोनू जी से ले पाए। मूर्ति की प्राइस रेंज जो आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद में आप जब अपनी फोटो सोनू जी को दिखाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट प्राइस आपको सोनू जी बता देंगे। क्यों सोनू जी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोटो देखने से इन्हें इसमें होने वाले काम और मार्बल के बारे में जानकारी मिलती है। तो सोनू जी, कितने प्रकार के मार्बल में मकरणा मार्बल मूर्ति बनती है? मकरणा के अंदर 3 क्वालिटी आती है, 1 नंबर, 1.5 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर आता है व्हाइट का, 1.5 नंबर उससे थोड़ा लो और 2 नंबर थोड़ा और भी लो आता है। ये 3 क्वालिटी है जो मूर्तियों के लिए यूज की जाती है। बाकी पत्थर बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो राजनगर, अंबाजी, जीरी और जो भी होता है, बहुत अनगिनत है, आप मैं नहीं बता सकता। जो मार्बल होता है वो सबसे बढ़िया मकरणा मार्बल ही है, मूर्ति के लिए इससे बढ़िया मार्बल कोई नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। तो सोनू जी, हमारे इधर से क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन मूर्ति बनवा सकते हैं? बिल्कुल, और उन पूरे इंडिया के अंदर डिलीवर हो सकता है? बिल्कुल, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो उनको यहाँ आने की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं है। और अगर वो यहाँ आना चाहें तो? मोस्ट वेलकम। और क्या अपने यहाँ ट्रेन सर्विसेज लगती है पूरे इंडिया से? ट्रेन लगती है, बस से सर्विस लगती है, दोनों मिलेगी। ट्रेन से और बस स्टैंड से अपनी शॉप की दूरी कितनी है सर? 2 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 4 है, बस स्टैंड से 2 है। तो सोनू जी, जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर मकरणा के अंदर ही है, आप चाहे रेलवे कनेक्टिविटी से आए चाहे बस कनेक्टिविटी से आए, आप आराम से सोनू जी की शॉप पे पहुंच सकते हैं, अपनी मूर्ति देख सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं और यहां से वापस अपने यथा स्थान तक पहुंच सकते हैं। और पहुंच जाए तो सर जी, अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं तो प्राइस रेंज का प्रोसेस क्या रहेगा, कितना पैसा देना होगा, क्या रहता है वो रहेगा? 25%, 30% या 50% आप एडवांस दे सकते हो, और मूर्ति बाकी बनने के बाद में देना है पैसा। तो सोनू जी, जैसा बता रहे हैं 25% आपको एडवांस देना है, उसके बाद आपकी कंप्लीट मूर्ति का काम हो जाएगा। जब आपकी मूर्ति कंप्लीट बन जाती है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो बाकी का पेमेंट ट्रांसफर करें और आपकी मूर्ति आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग से होता है सर? बिल्कुल, हर मूर्ति का अलग होता है, हर मूर्ति के साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। अच्छा, और वो ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी हमारे दर्शकों को आप पहले ही बता देते हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से? हाँ, ऑर्डर कंफर्म करते हैं उस टाइम पहले ही बताते हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा चार्ज लेना अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा, तो सोनू जी, आप अपने यहाँ अवेलेबल माता रानी की जितनी भी मूर्ति है उनके बारे में हमारे दर्शकों को फटाफट आप जानकारी दे दीजिए। ये माता रानी 1 फीट की है, मकरणा मार्बल है, अब देख पा रहे हो। बोलो,
ये मैया 3.25 फीट के अंदर है, मकराना मार्बल में नंबर 1 घड़ाई के अंदर बनी हुई है। ओरिजिनल मकराना मार्बल आप देख पा रहे हो, नहीं 3.5 फीट हाइट के अंदर है और मकराना मार्बल ओरिजिनल है, देख पा रहे हो आप, नंबर 1 के अंदर बनी हुई है। शेर का मुख बंद रहता है, ज्यादातर ऑर्डर के अकॉर्डिंग खोला जाता है। 4 फीट हाइट के अंदर है मकराना मार्बल में और शेर का मुख भी बंद है, ओरिजिनल आप देख पा रहे हो। आशीर्वाद रूप के अंदर इसको प्लोवक, चामुंडा, दुर्गा माता, अम्बे माता, जगदम्बा, जितने भी आप नाम लो वो कमी है। ये मैया रानी मकराना मार्बल में बनी हुई है, दोनों मैया आप देख पा रहे हो, ये मकराना मार्बल में है। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन में बहुत सारा फर्क है, आप देख पा रहे हो। ये 4.25 फीट में, ये 4 फीट के अंदर है, 4 फीट के अंदर है और ये वियतनाम मार्बल है, आप देख पा रहे हो बिल्कुल। इसकी गड़ावट देख लो, वियतनाम के अंदर ये व्हाइट भी दिखाई दे रहा है, ये मकराना के नहीं है। आप देख पा रहे हो दुर्गा मैया का जो मूर्ति को आपने स्टॉक दिखाया है, बाकी अदर मूर्तियां मकराना मार्बल की सभी अपने पास में तैयार है। चाहे जैसे आप ऑर्डर देके बनवा सकते हो, चाहे जैसे जो भी मूर्ति हो साइज के अकॉर्डिंग 1 फीट से लेकर 60 फीट तक आपको मूर्ति मिलेगी मकराना मार्बल के अंदर। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रय विक्रय आप अपने स्वविवेक से करें। मार्बल दुनिया चैनल सिर्फ आपको जानकारी देता है।